दोस्तों, इस वक्त जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो सऊदी अरब के मक्का शहर से बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हज करने के लिए हुज्जाजे कराम मक्का पहुंच गए हैं और अरफात में हज का फरीजा अंजाम देने से पहले सभी लोग जियारत कर रहे हैं और उमरा कर रहे हैं। दोस्तों, ये बूढ़ी माँ भी उमरा कर रही थी और खाना काबा का तवाफ कर रही थी। गर्मी और धूप इतनी ज्यादा थी कि वहीं पर ये बेहोश होकर नीचे गिर गई और अपना होश खो बैठी। बाद में फिर देखिए, मक्का के सिक्योरिटी गार्ड एक बेटे की तरह इस बूढ़ी माँ की खिदमत कर रहा है और पानी पिला रहा है ताकि इस बूढ़ी माँ को होश आ जाए और ये सही हो जाए और इनकी परेशानी खत्म हो जाए। दोस्तों, इस साल यानी 2023 में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल सबसे ज्यादा हाजी हज करने के लिए मक्का पहुँचेंगे और हज का फरीजा अंजाम देंगे। दोस्तों, जब इस सिक्योरिटी गार्ड ने इस बूढ़ी माँ की खिदमत की और इनके साथ ऐसा सलूक किया तो हर कोई उनकी तारीफ करने लगा और इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दोस्तों, इस्लाम यही कहता है कि तुम दूसरों की मदद करोगे तो अल्लाह ताला आपको इसका अज्र जरूर देगा और बेशक अल्लाह ताला खानाए काबा के सही में ऐसा ही लोगों को कबूल करता है जो दिल के बड़े सखी और अच्छे अखलाक वाले होते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपने वालिदैन के साथ हज करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।